नमस्ते, आज मैं आपको अपने बालकनी के कुछ प्लांट्स दिखाने वाली हूँ। मेरे बालकनी में कुछ इस तरह से प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मेरा सिंगोनियम, ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाई प्लांट्स होता है। और ये मेरा गोल्डन फर्न, इसके मेरे पास तीन प्लांट हैं, एक ये और एक यहाँ और एक और नीचे रखे हुए हैं। नीचे में मैंने कुछ नर्सरी तैयार करके रखे हुए हैं, जल्दी ही मैं इनके पॉट तैयार करूँगी। ये ऊपर हैंगिंग में स्पाइडर प्लांट, ये इनके सुंदर से स्टिक निकल चुके हैं जिसमें कि नए नए प्लांट्स बनकर तैयार हैं। ये मेरा पिंक टर्टल वाइन, मैं ठीक से इसके नाम जानती नहीं हूँ। ये पौधा मेरा पुराना हो गया, मैं जल्दी ही इसे काटूँगी, तब फिर इसमें नए पौधे निकलेंगे तो फिर उनके पत्ते इस तरह से तैयार होंगे, ये लाइट कलर में। अभी ये धीरे धीरे रोशनी से डार्क ग्रीन होते चले गए हैं, ऐसे इनके कलर बड़े खूबसूरत बनते हैं। ये मेरा गोल्डन पोथोस, एक और ऊपर में ये मेरा फिलोडेंड्रॉन, और एक बार फिर से ये मेरा स्पाइडर प्लांट। इस तरह से इसके जो सकर्स निकलते हैं और उनमें प्लांट्स तैयार होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। इन्हीं नए प्लांट्स को मैं फिर से लगाकर नए पौधे तैयार कर लेती हूँ। अभी कुछ दिन ये ऐसे ही इसमें बने रहेंगे, जब ये ऊपर का पौधा सूखने लगेगा तब मैं इन्हें छोटे प्लांट्स को तोड़कर इनसे अलग कर दूँगी। ये मेरा एक और प्लांट, इसकी कटिंग मैंने कुछ दिन पहले ही किए थे, टर्टल वाइन नहीं सॉरी टेंगल हर्ट। ये मेरा टेंगल हर्ट, इन्हें घना करने के बहुत आसान है तरीके हैं। इनकी पिंचिंग करते रहिए, घने होते जाएंगे और लंबे इस तरह से नीचे की ओर लटकते चले जाएंगे, तब ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये एक मेरा बेबी टीयर्स, ये पौधा भी अब थोड़ा ख़राब हो गया, इसकी भी मैं कटिंग करने वाली हूँ। बहुत सुंदर लगता है, छोटा छोटा इसमें बहुत छोटा छोटा पत्ता होता है इस तरह से। ये मेरा एक फिलोडेंड्रॉन, ये तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ही खूबसूरत हो गया है, पत्तियों से पूरी तरह से भर गया है। इसकी पत्तियाँ भी खूब डार्क ग्रीन होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ये मेरा एक और फिलोडेंड्रॉन, इनकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ये मेरा एक डिफेनबेकिया, और ये मेरे कुछ एग्लोनीमा, ये कुछ एग्लोनीमा, और बाहर में इधर मैंने ये चार्ली क्रीपर इसे बोलते हैं, ये मैं दिखा नहीं पाऊँगी पूरा इस तरह से, ये चार्ली क्रीपर बोलते हैं इसे। मैं बाहर की ओर जो हैंग कर रहे हैं प्लांट्स, उन्हें मैं दूसरे बालकनी में जाकर दिखाऊंगी लास्ट में। अभी ये कुछ ब्लैक जिजी, इनकी पत्तियाँ कुछ ग्रीन हैं, जो नए स्टिक निकले हैं उनमें पत्तियाँ ग्रीन हैं, धीरे धीरे वो भी सारे ब्लैक हो जाएंगे। ये टर्टल वाइन, जरवेरा, ये पिंक सिंगोनियम, कुछ इचिवेरिया है पीछे,
एचिवेरिया को बचा कर रखना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास बहुत सारे एचिवेरिया थे लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो गए। बारिश के मौसम में वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा हार्डी है, ये बहुत अच्छा चलता है। इनके बहुत सारे बेबी निकलते हैं और ये पॉट को पूरी तरह से भर देता है। ये मेरा स्नेक प्लांट छोटा वाला सेंसेवेरिया, ये एक और इचिवेरिया, ये बेबी टियर, ये बहुत सुंदर लगता है। छोटी छोटी पत्तियों वाला पौधा होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से मेरे कुछ प्लांट्स हैं और नीचे में मैंने अभी नर्सरी तैयार किए हैं, उन्हें जल्दी इनकी मैं हैंगिंग बनाने वाली हूँ। ये मेरा एक एंजॉय पोथोस, पोथोस तो बहुत तरह तरह के आते हैं, मेरे पास यही है। और ये मेरी तुलसी जी, जिन्हें कि मैं अभी कुछ ही दिन पहले नए पौधे लाई हूँ और लगाई हूँ, इनकी पिंचिंग मैं करती रहती हूँ ताकि ये घने होते रहें। ये सारे हैंगिंग प्लांट मैंने पीवीसी पाइप में प्लांटर बनाकर लगाए हैं, जो इस तरह से हैंग करते हैं। मैं दूसरी बालकनी में जाकर दिखाती हूँ। अभी बारिश आई है और बारिश में मेरा एग्लो मिनिमा मस्ती में नहा रहा है। एक्चुअली मेरे सारे पौधे मज़ा ले रहे हैं बारिश का। ये देखिए कितनी मस्ती है। गर्मी के बाद की बारिश सभी को अच्छी लगती है, पौधों को भी अच्छी लगती है। ये देखिए खूब अच्छी बारिश हो रही है। ये बाहर से मेरे कुछ प्लांट्स इस तरह से दिखते हैं, जो कि हैंग करते हैं नीचे की ओर। ये मैं दूसरे बालकनी से इसका वीडियो बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं। इसमें ये फर्स्ट मनी प्लांट है, दूसरा एंजॉय पोथोस है, तीसरा मार्बल पोथोस है। फिर इधर देखिए, इधर ये सारे बड़े खूबसूरत लगते हैं बाहर से देखने में, काफ़ी लंबे हो गए हैं। और इधर एक चार्ली क्रीपर है जो कि पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से मेरा बालकनी दिखाई देता है बाहर से। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते।